भरतपुर सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा 12 सितंबर को आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर रखते हुए पुलिस एवं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों एवं सैनी समाज आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में सभागार में आरक्षण के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने और आंदोलन को स्थगित किए जाने के संबंध में वार्ता की गई। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सैनी समाज की मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि समाज आरक्षण की मांग को लेकर अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण रखे और कानून व्यवस्था को बनाए रखे, जिस पर समिति के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए जाने का भरोसा दिलाया। वार्ता के दौरान संभागीय आयुक्त श्यामरमन वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन सुरेश कुमार यादव, संघर्ष समिति के प्रतिनिधि इंदिरा सैनी, मुरारी लाल, छुट्टन लाल, भवानी शंकर, बने सिंह, पुरुषोत्तम एडवोकेट वसुदेव किरोड़ी लाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।